किसान आंदोलन 13 फरवरी को शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले ही शंभू बॉर्डर पर आंदोलन आवागमन बंद कर दिया गया था। आंदोलन के चलते तब से अभी तक 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और शंभू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है, जिसका असर अम्बाला के बाजारों पर पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अब व्यापारियों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसको लेकर व्यापारी संगठन अब एकजुट हो गया है और अम्बाला के बाजारों को 4 घंटे के लिए बंद रखकर अपना नाराजगी जताई गई है। शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग भी की गई है। व्यापारियों का कहना है कि उनके सामने बड़ा संकट है, उनके सिर पर कर्ज है, कर्मचारियों की तनख्वाह तक देने के पैसे नहीं है, सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अब उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है और आगे भी वो ये संघर्ष करते रहेंगे। शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए अगली रणनीति का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। जी रणनीति तो जो भी है, अभी इस धरने के बाद एक मीटिंग होगी, तो धरने के बाद ही हम तय करेंगे आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये सांकेतिक जो धरना है, इससे सरकार को जगाने का काम किया है और सरकार जाग जाएगी, मुझे उम्मीद है इसी धरने से सरकार जाग जाएगी। हमारे को कपड़ा मार्केट का पूरा सहयोग मिला है, दशमेश मार्केट का, स्वर्णकार संघ का, रेडी फड़ी एसोसिएशन का, दाल बाजार का, सभी दुकानदार भाइयों का, व्यापारी भाइयों का सहयोग मिला। बिल्कुल सर, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल अम्बाला इकाई की तरफ से, मैं जिला प्रधान होने के नाते व्यापार मंडल का पूर्ण समर्थन है। आज हमारे जहां जहां भी कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हैं, वो बाजारों को बंद करने का जो है हमारी उसमें सहयोग करेंगे और यहां पर हम संकेतिक धरना आज 3 घंटे का दे रहे हैं। और ये सरकार अगर किसी तरह बाज नहीं आती और ये इसको इस जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल नहीं करती, क्योंकि ये समस्या किसानों की नहीं है, ये समस्या है सरकार की, और सरकार इसको हल करे। अगर वो किसी तरह इसको नहीं हल करती, शायद इससे बड़ा आंदोलन करना पड़े। आज हमने 3 घंटे का किया, हो सकता है इससे ज्यादा का आंदोलन करना पड़े, लेकिन बॉर्डर खुलने तक ये संघर्ष जारी रहेगा।